किस स्टेज पर हैं? नंबर एक, बुरी आदतों से अपने आप को बचाएं, फजूल खर्ची से अपने आप को बचाएं, वक्त बर्बाद करने से अपने आप को बचाएं। वक्त बर्बाद करने के माना यह है कि आप टीवी देखते रहेंगे घंटों तक, फिल्में देखते रहेंगे घंटों तक, आप ड्रामे देखते रहेंगे घंटों तक, या खेल देखते रहेंगे घंटों तक। अच्छी तरह से सुने, हो सकता है आपको कड़वा लगेगा ये, मगर ये जो खेल चलते रहते हैं, ये खेल एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। और फ्रॉड क्या है कि उनको पैसे कमाने हैं, जो हारेगा उसको भी पैसा मिलेगा, जो जीतेगा उसको भी पैसा मिलेगा, ठीक। और यहां सारे लोग परेशान रहते हैं साहब, अपना वक्त भी बर्बाद करेंगे, अपना सेहत भी बर्बाद करेंगे, खामखा टेंशन में। जीतने वाला उसको भी पैसा, हारने वाला उसको भी पैसा। और जो ही आदमी खेल देखने लगता है, थोड़ी देर में इंसान अपने आप को किसी एक पार्टी का हामी बना देता है, मैं इनके साथ। जब भी दो टीमें खेलेंगी, आप देखते रहें, थोड़ी देर में आप अपने आप को किसी एक की तरफदारी, ये जीतने चाहिए, वो हारने चाहिए। अब अगर ये जीत रहे हैं तो आप खुश, हालांकि उनके जीतना आपको कुछ मिलने वाला नहीं। और अगर ये हार रहे हैं तो आप टेंशन में, आप परेशान, हालांकि उनके हारने का आपको कोई नुकसान नहीं। तो दूसरे का केस अपना बनाया और अपनी सेहत को भी खराब किया, अपना वक्त बर्बाद किया, अपने आप को टेंशन में डाला। यहां तक कि बाज दफा, एक दफा एक लड़का मुझे मिला, कहने लगा जी मैं 3 दिन से मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मुझे बहुत दुख है, फलानी टीम क्यों हार गई। क्या मैं फिर क्या किया? कहने लगा मैंने टीवी तोड़ दिया। तो मैंने कहा उनका केस आपने अपना केस क्यों बनाया? वो तो जो हार गए, कुछ दिनों बाद दूसरा मैच होगा, वो जीत जाएंगे। और जब वो हार के वापस जा रहे थे तो पैसे लेके जा रहे थे। आज का खेल खेल नहीं, ये बिजनेस है, और बहुत बड़े पैमाने का बिजनेस है। और आपको मालूम होगा कौन कौन लोग बिजनेस करते हैं। तो हम अपने आप का अपना वक्त क्यों बर्बाद करेंगे कि साहब हम भी ख्वाब देख रहे हैं, हम भी इंटरनेशनल प्लेयर बनेंगे, उस ख्वाब देखते देखते हम अपनी जिंदगी को खराब करेंगे। इसलिए जिंदगी कंस्ट्रक्टिव गुजारनी है, तफरी वाली जिंदगी नहीं गुजारनी है। मैं लोगों को खेल से खुश करूंगा, पैसा कमाऊंगा, ये कोई मुस्बत जिंदगी नहीं है, ये कंस्ट्रक्टिव जिंदगी नहीं है। दुनिया कंस्ट्रक्टिव जिंदगी है, आप इंसानों को, आप कौम को, आप दीन को कुछ देने वाले बने, वह है मुस्बत जिंदगी, वह है तामीरी जिंदगी। और इसके मुकाबले में मैं, किसी ने डांस सीखा, किसी ने मॉडलिंग सीखी, किसी ने फैशन डिजाइनिंग सीखी, और इसके बाद वो पैसा कमा रहा है, तो ये कोई कंस्ट्रक्टिव जिंदगी नहीं है। कामयाब जिंदगी वो है कि जिसमें इंसान इंसानों को कोई नफा पहुंचाए। कोई बार दफा एक लड़का मेहनत करता है, उसके बाद फिर कोई नई चीज इजाद करता है, इजाद करने के बाद वो इंसानों के सामने लाता है। अगर अगर इसको कोई अप्रिशिएट नहीं मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बहरहाल ये कामयाब है। तो मेरे भाई तमाम